गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में इमरान सर मैथ्स में। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 9। तो आइए देखते हैं इस सम में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 meter high, find the height of a building. पूरा सम रीड करने में हमें यह समझ में आया है कि इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक है बिल्डिंग और एक है टावर। तो हम बिल्डिंग और टावर का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो सम काफी इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। तो शुरू करते हैं डायग्राम ड्रॉ करना। तो आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो सबसे पहले काम करता हूं मैं टावर ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर मैं, ये मेरा टावर रहा, नाम दे देता हूं इसको मैं, कंफ्यूजन रहेगा नहीं। ये है टावर, सीधा उसका सामने बना रहा हूं मैं यहां पर एक बिल्डिंग, इसका नाम दे देता हूं मैं बिल्डिंग। अब इन दोनों को मैं एक बेस बना देता हूं मैं। अब हम रीड करेंगे और रीड करते वक्त हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो शुरू करते हैं डायग्राम ड्रॉ करना। द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। उससे पहले क्या दिया है, द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां पर है, यहां पर बिल्डिंग है, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर ये रहा, ये फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री। ये बन गया, आगे देखते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर कहां पर है, ये टावर है, ये टॉप है इसका, टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट यहां पर है, इज 60 डिग्री। तो आप यहां से इसको बना लिया 60 डिग्री। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करोगे आप अल्फाबेट लिख दीजिए, आप ए बी सी और ये डी। अब आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। आपको जब 2 डिग्री मिल जाए तो आप एक के बाद एक डिग्री को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर गलत करना भी चाहोगे तो भी गलत नहीं कर पाओगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया है और देख लेते हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, मीन्स टावर का मेजरमेंट जो दिया हुआ है वो है 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट जो दिया हुआ है वो सीडी फाइंड करना है। मैं यहां पर लिख लेता हूं मुझे सीडी फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग सम। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मैं 60 डिग्री पे, क्योंकि मुझे यहां पे दिया है 50 मीटर, 60 के सामने वाला जो है वो अपोजिट साइड है, एक चीज दिया हुआ है यहां पे अपोजिट, और ये जो है वो है एडजेसेंट। तो अपोजिट और एडजेसेंट आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो दो ही फॉर्मूले में है, एक है टेन थीटा एक है कॉट थीटा। तो यहां पे हम टेन थीटा यूज करेंगे हम लोग। तो यहां लिखने जा रहा हूं यहां पर मैं कि टेन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है यहां पर आप देखोगे सामने वो है ए बी, आप ए बी लिख लीजिए यहां पर। एडजेसेंट क्या है, बी सी। कंफ्यूज मत रहिए कि ये सी बी लिखूं या बी सी लिखूं, आप सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर मेंटेन कीजिए। तो सी बी की जगह लिखूंगा मैं लिखूंगा बी सी, बी सी। अब मैं वैल्यू पुट करना जा रहा हूं, 1060 मतलब क्या होता है, रूट थ्री इक्वल टू ए बी क्या है 50 डिग्री है यहां पर और यहां पर बी सी है। मैं काम करूंगा इस बी सी को यहां लिख लूंगा मैं और रूट थ्री को मैं यहां पर लिख लेता हूं, आगे जाके कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगा। मेरा एक काम हो गया है, मैं 1 डिग्री को सॉल्व कर लिया हूं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो 30 डिग्री को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करता हूं मैं यहां पर 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री वही फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 30 डिग्री पे खड़े हो जाइए और देखिए अपोजिट कहां पे है, ये सी डी पे है। तो लिखूंगा मैं यहां पर सी डी और एडजेसेंट क्या है वो है बी सी। अब 10 30 का क्या होता है, 1 अपॉन रूट थ्री वैल्यू होता है।
अब देखिए सीडी दिया हुआ है, तो सीडी कुछ नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उसे फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सीडी। अब बीसी देखोगे आप, जाने अनजाने में हमने फाइंड कर लिया है जो यहाँ पे दिया हुआ है बीसी इक्वल टू 50 अपॉन रूट थ्री, तो इंस्टेड ऑफ बीसी वी कैन राइट 50 अपॉन रूट थ्री। अब क्या करोगे आप, इस 50 अपॉन रूट थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई 50 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू सी डी। अब क्या देखोगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर 50 अपॉन रूट थ्री दिया हुआ है, ये 1 अपॉन रूट थ्री दिया हुआ है, तो 50 अपॉन रूट थ्री जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख लेता हूँ मैं 1 अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई 50 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू सी डी। आपको पता होगा 50 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 50 होता है, रूट थ्री और रूट थ्री क्या होता है, 3 हो जाता है, तो ये मेरा आंसर हो गया 50 अपॉन 3 इक्वल टू सी डी। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है ये 3 यहाँ पर है, ऊपर 50 है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 डिवाइड बाई 3, तो 3 कितना होगा बोलो, 3 वन जा 3, 2 0, 3 सिक्स जा 18 और यहाँ बचा 2, तो एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर मैं, ये 2 इधर जाएगा, 16 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 16 इंटीजर 2 अपॉन 3। ये सॉल्यूशन आपको लिखना है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और ये मेरी मेथड आपको अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और आपका कुछ अगर बताना हो कि आपको इस कोई और चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।